हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे, इसका चैप्टर नंबर 6 यानी कि रूट्स एंड फ्लावर्स हम पढ़ चुके हैं। उसमें पेज नंबर 36, 37, 38 एंड 39 हो गया हमारा, और आज बारी है पेज नंबर 40 की। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ फ्लावर्स के यूज़ क्या क्या है हमारी लाइफ में, उनके कलर वगैरह कैसे बनते हैं, और कुछ और यहाँ बचा है तो चलिए ये भी देख लीजिए। दी एक्सट्रैक्ट्स, सॉरी ये बीच में आ गया, दी एक्सट्रैक्ट ऑफ सफरून फ्लावर्स, सफरून यानी केसर, आर यूज्ड टू गिव फ्लेवर टू फूड एंड मस्टर्ड प्लांट्स। यानी जो केसर का जो प्लांट, सॉरी फ्लावर होता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो खाने को फ्लेवर देने के लिए काम आता है। और उसके अलावा जो मस्टर्ड, यहाँ पे बोला है मस्टर्ड प्लांट्स, यानी फ्लेवर भी दिया जाता है फूड को और कलर भी मिलता है इनसे। सनफ्लावर्स एंड सेफ, ये कौन सा है, सेफ फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक कुकिंग ऑयल। यानी यहाँ पे देखिए, ये जो मस्टर्ड प्लांट आपको दिखाई दिया ऊपर, ये अलग है। यहाँ पे बोला है कि सफरून के फ्लावर की जो एक्सट्रैक्ट होती है वो फ्लेवर देने में काम आती हैं, और मस्टर्ड प्लांट, सनफ्लावर और सेफ फ्लावर, इनसे क्या बनता है, कुकिंग ऑयल, यानी इससे लोग, इसके ऑयल से खाना पकाते हैं। अब देखिए फ्रूट, फ्रूट इज़ द फ्लैशी पार्ट ऑफ सर्टेन प्लांट्स दैट मे बी स्वीट एंड एडिबल इन द रॉ स्टेट, सच एज एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ईटीसी। यानी फ्रूट बहुत ही फ्लैश पार्ट होता है, चमकीला, अच्छा सा, दिखने में भी बहुत खास, स्पेशल सा कुछ प्लांट्स का, दैट मे बी स्वीट एंड एडिबल, जो खाने के लायक होता है वो स्वीट होता है। रॉ टेस्ट, यानी डायरेक्ट उसको खा सकते हैं बिना पकाए, बिना कुछ मसाला डाले, सच एज एप्पल, जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ईटीसी। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सीड्स, इनमें बीज भी होते हैं, विच आर यूजफुल फॉर प्रोपिकेशन ऑफ द प्लांट, जो फिर से हम नया पौधा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द सीड कंटेन्स फूड विच सप्लाइज एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ अंटिल द प्लांट ग्रोज इट्स फर्स्ट लीव्स अबव द ग्राउंड। देन सीड्स आर प्लांटेड इन द ग्राउंड, द ग्राउंड ग्रोइंग ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सीड्स, यानी कि उसमें बीज भी होते हैं जो प्रोपिगेशन के लिए यूज़ होते हैं, और जो बीज होते हैं वो कुछ एनर्जी भी सप्लाई करते हैं, उनमें कुछ मटेरियल्स होते हैं जो न्यू प्लांट ग्रो करने में यूज़फुल होते हैं। और जब भी किसी सीड को ग्राउंड में प्लांट किया जाता है, यानी उसको उगाया जाता है, द ग्रोइंग ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी जैसे कि मान लीजिए आपने एक पपीता खाया, पपीता के अंदर ब्लैक कलर के बीज निकलते हैं, आपको पता होगा, आपने उसको ज़मीन में डाला और उससे पौधा बना, ठीक है, तो उस बीज से लेके पौधा बनने तक का जो टाइम है, जो प्रोसेस हुआ, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। स्पेलिंग बोलेंगे आप, जी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ एन, जर्मिनेशन। अब देखिए नो मोर, सेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स एवपोरेशन क्विकली, दैट इज़ व्हाई वन कैन डिटेक्ट द सेंट ऑफ फ्लावर्स बेटर ऑन अ वाइंडलेस डे। यानी जो फ्लावर्स होते हैं उससे सेंट बनाया जाता है, यानी उससे परफ्यूम बनाए जाते हैं, खुशबू वाले, जो उस ऐसी टाइम में भी वो यूज़फुल रहते हैं जब वो फ्लावर हमारे पास ना हो या फिर हवा भी ना चल रही हो। फिर है देखिए यहाँ पे लाइफ स्किल्स क्या बोलती हैं, वी शुड प्लांट मोर प्लांट्स एंड टेल आवर फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए और हमारे फ्रेंड्स को भी बताना चाहिए कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। वी शुड ऑल्सो टेल देम हाउ प्लांट्स हेल्प अस, और हमें ये भी बताना चाहिए कि प्लांट हमारी हेल्प कैसे करते हैं। ओके, तो आज आपका ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, और अभी बारी है क्वेश्चन 5 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन 6 हमारा आज का होमवर्क है।
वॉट डू यू अंडरस्टैंड, या नीचे देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, नीचे से डेट लगा दीजिएगा और फाइव वाले के नीचे ही करिएगा जैसे मैंने किया है। अगर जगह नहीं है तो न्यू पेज ले सकते हो। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, यानी एक बीज का, एक सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है वो बताइए। तो आंसर है सीड्स आर प्लांटेड इन द ग्राउंड, बीज को ग्राउंड में प्लांट किया जाता है। द ग्रोइंग ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी किसी प्लांट का ग्रो करना, सीड से लेके प्लांट तक बनना होता है जर्मिनेशन। ओके, थैंक यू।